आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्ध चित्ता जीवदाने नमः। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, कभी सुख महसूस होता है और कभी दुख। अगर दुख ना हो तो सुख की अनुभूति सुख की नहीं लगेगी, और अगर सुख दुख आपके जीवन में है तो एक बात ध्यान में रखें कि सबसे बड़ा योगों में एक योग है एक दूसरे का सहयोग करना, मतलब एक दूसरे का सुख दुख बांट लेना। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में इस प्यारी सी सुबह को बांटने के लिए रोज आ जाती हूँ आपके साथ। आज 11/5/2018 शुक्रवार है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 7:10 तक, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा, दोपहर 1:24 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, अपरा एकादशी है आज, और सूर्य कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे शाम को 6:12 पर। आज के मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं, सुबह 8:30 से लेकर सुबह 9:45 तक है लाभ, सुबह 9:45 से लेकर सुबह 11:01 तक है अमृत, और दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 1:32 तक है शुभ। कभी भी ईश्वर से ये न कहिए कि मेरे साथ बहुत ज्यादा दुख है, बल्कि ये कहिए कि मेरे साथ ईश्वर है। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ ईश्वर बने रहें ये प्रार्थना करते हुए इस मंगलमय सुबह की आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 7:10 तक, और उसके बाद मीन राशि में नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा। मेष राशि, अब चंद्रमा आपके द्वादश में मूव कर गए बुध के साथ में, और आप थोड़े बेचैन हुए। आपको ये बेचैनी है कि आपके जो घर से रिलेटेड काम है वो अधूरे हैं, उसमें खर्चा हो रहा है, आपकी माता पर खर्चा हो रहा है। तो देखिए, जीवन में अगर आप कमाते हैं तो खर्चा करने के लिए ही तो कमाते हैं, वो तिजोरियों की शान रखे और आनंद में ना जीना क्या फायदा। वृषभ राशि, ऋषभ राशि के लिए अब चंद्रमा मूव कर जाएंगे लाभ में, और आपको छिटपुट लाभ होगा, आंशिक लाभ होगा, और इस लाभ का आनंद उठाना आपका परम धर्म है, क्योंकि ईश्वर जो देता है उसको थैंक यू करके लेना चाहिए। मिथुन राशि, अब चंद्रमा के मीन में आने के कारण आपको कोई ऐसा काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो आप कर सकते हैं, आप लेन देन कर सकते हैं पैसे का, आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने हो लेकिन संभल के। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब चंद्रमा जो आपके लग्न के स्वामी हैं भाग्य में आकर आपको अच्छे अच्छे संदेश देते हैं, यात्रा पर ले जाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी थकन महसूस होती है आपको, लेकिन आप आज के दिन बेहद आनंदित रहते हैं। थोड़ा बहुत जो आपको शिकायतें हैं अपने भविष्य को लेकर उसको फिलहाल साइड में रख के स्थिति को एंजॉय कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आज थोड़ी चिंता हो जाती है अपने हेल्थ से रिलेटेड, और अगर आपको कोई पेट से रिलेटेड चिंता है, कोई ऐसी चिंता है जैसे जुकाम बुखार, तो अनदेखा ना कीजिए और डॉक्टरी चेकअप करा लीजिए। आपके परिवार से आज कम सपोर्ट है तो अपनी वाणी में आप मधुरता बनाए रखें ताकि लोग आपका सपोर्ट करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब चंद्रमा आपके सप्तम में आकर सन्मुख देखकर आपको थोड़ा सा बेचैन करते हैं, क्योंकि आप विपरीत स्वभाव वाले ग्रह के स्वामी हैं, और इसके साथ आपको थोड़ी सी बेचैनी अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड भी होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपका लाभ रुका हुआ है, लेकिन आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपका ये लाभ खुल सकता है, आपके पार्टनर के सपोर्ट से आपका बिजनेस खुल सकता है। मौन की महिमा समझने के लिए पहले शोर सुनना पड़ता है, और शोर सुनने के बाद एहसास होता है कि मौन बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सबके साथ इस दिन की आपको शुभ वाली बधाइयां देते हुए और आपको सुप्रभात कहते हुए अभी फिलहाल सुनाती हूँ तुला से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। तुला राशि,
मीन में चले गए चंद्रमा षष्ठ में आ गए, जिसकी वजह से आप हैं बेचैन अपने काम को लेकर। आपके काम के स्थल पर आपके लोगों के साथ झड़प ना हो इसका ध्यान रखिए, और आपका मन उससे उचाट ना हो इसका भी ध्यान रखिए। और अगर आप लोन वोन चाहते हैं काम के लिए तो आज अप्लाई कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। आज के दिन चंद्रमा पंचम में आकर आपके बच्चों से सुख दिलवाते हैं आपको, और वो भी कूल हैं, आप भी कूल हैं, आपको बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट होती है, आपका धन लाभ होता है, पैसे आते हैं, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। धनुराशि। धनुराशि के लिए अब चंद्रमा चतुर्थ में आकर आप अपनी माता से विरोध मत कीजिए, अपनी मम्मी से झगड़ा मत कीजिए, और साथ में ये भी देखिए कि अगर आपके काम बन रहे हैं कुछ ऐसे जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तबीयत अच्छी रहे, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो भी एक काम होता है। मकर राशि। मकर राशि के लिए अब चंद्रमा आपके पराक्रम में आकर उत्साह बढ़ा देते हैं आपका, और आप खूब सारा काम करने के लिए तैयार हो गए, कमर कसकर और यात्रा पर निकले, तो आपकी यात्रा भी बेहद अच्छी हुई। लेकिन जो आप चाहते थे कि बड़े बड़े रिजल्ट आएँ, वो अभी रुक जाइए, वो बड़े रिजल्ट भी आएंगे आगे चलकर। फिलहाल तो आप ये साल थोड़ा सा शांति से अपने आप को संयत करके जो मिलता है उसमें खुशी रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अब चंद्रमा आपके द्वितीय में आकर धन लाभ देते हैं आपको, परिवार से सुख देते हैं, और साथ में ये महसूस कराते हैं कि आपकी वाणी में जो मधुरता है उसकी वजह से सब खुश हैं। तो आपने महसूस किया, काउंसलिंग और कंसल्टेशन आज के दिन आप किसी की भी कर सकते हैं। मीन राशि। लग्न में बैठकर चंद्रमा आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं एकदम कूल, और आपके विवाहित जीवन में भी सुख लाने की कोशिश आप करते हैं, लेकिन ये प्रयत्न अगर विफल हो जाए और आपके विवाहित जीवन में थोड़ी अनबन रहे तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये एक से दो दिन का खेला होता है, ये आपकी मनस्थिति है, आपके माइंड के विचार हैं, और फिर ये बदल जाएंगे जब चंद्रमा यहाँ से निकल जाएंगे। तो ज़्यादा ना सोचें, अभी मीडिया से रिलेटेड जितने काम बनाने हैं वो बना लें। सभी तूफान आपके रस्तों में रोड़े अटकाने के लिए नहीं आते, कुछ आपके रास्ते साफ भी कर देते हैं। मतलब कई बार ऐसे होता है कि मुश्किलें आती हैं और हम समझ जाते हैं कि अब हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए। आइए जानते हैं आज का वो टिप जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय में है। हमने कल बात की थी आपके सिर की, और जाना था कि बाल न होने पर भी अगर गर्दन की नसें आपकी सीधी रहें, आपका सिर सीधा रहे, झुके नहीं किसी के आगे, तो आपकी पर्सनालिटी में रहता है निखार। अब थोड़ी सी आंखों पर आइए, आप आंखें ना झपकाइए ज़्यादा बात करते समय। अगर आपने आंखें झपकाई ज़्यादा बात करते समय, एक तो गलत आंख झपकाई तब गलत है, और दूसरी बात कि ज़्यादा झपकाई तो आपका कॉन्फिडेंस लूज है ये महसूस होता है। ऐसा अगर किसी को होता है तो उसको शीशे के सामने या डेलिबरेटली जानबूझकर अपनी आंखों पर ध्यान दे करके ज़्यादा झपकती तो नहीं है, अभ्यास करना चाहिए, इस आदत से बाहर आना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।